Benzoylation of compounds containing alpha hydrogen such as phenol, phenol ke paas bhi alpha hydrogen hote hain, sorry active hydrogen such as phenol, aniline, alcohol etc. with benzoyl chloride in the presence of aqueous NaOH. हम लोग पहले एग्जांपल ले लेते हैं, अल्कोहल की एग्जांपल ले लें जी, CH3CH2OH कहते हैं, इसका आप लोग ने रिएक्शन कराना विद बेंजोइल क्लोराइड. अब बेंजोइल क्लोराइड का फार्मूला होता है हमारे पास C6H5C OCl. ये जो रिएक्शन होता है कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एन न्यूवच की मौजूदगी में होता है. अब क्या होता है कि यहाँ से ये वाला जो H है जिसको उसने लफ लिखा जी एक्टिव हाइड्रोजन, ये वाला एक्टिव हाइड्रोजन इस Cl के साथ मिलकर बढ़ चला जाता है. तो बाकी प्रोडक्ट देखें आप लोग CH3CH2O आगे ये वाला इतना हिस्सा सारे का सारा वैसे ही आ जाएगा. ये वाला पार्ट जो इस साइड से Cl रिमूव हुआ है तो इसलिए ये वाली साइड पहले अटैच होगी मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ, और ये वाला इस साइड पे आएगा C6H5. तो ये जो प्रोडक्ट बनी है इसका नाम होता है हमारे पास इथाइल बेंजोएट. ये हम लोग रिएक्शन करवाए हैं अल्कोहल का, तो अब हम लोग फिनोल की भी एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग एनिलीन की एक एग्जांपल ले लेंगे. फिनोल के केस में होता है हमारे पास ये फिनोल का फार्मूला हमारे पास OH, इसका भी रिएक्शन करवाना आप लोगों ने बेंजोइल क्लोराइड के साथ C6H5C OCl के साथ. तो एक्टिव हाइड्रोजन जो है वो ये वाला है, ये इस Cl के साथ मिलेगा HCl बन जाएगा. यहाँ पर भी हम लोग एक्वस NaOH ही लिखेंगे तो इससे हमारे पास बनेगा ये बेंजीन रिंग आ गया, ये वाला ऑक्सीजन वैसे आ गया जहाँ से हाइड्रोजन तो ख़त्म हो गया, अब वो इस Cl के साथ मिले तो अब ये वाला पार्ट वैसे का वैसा इस ऑक्सीजन के साथ अटैच कर देंगे सी डबल बॉन्ड ओ, बाकी ये जो C6H5 आ जाएगा इसका नाम है जी फिनाइल बेंजोएट. यहाँ पर ये वाला पार्ट जो था ये वाला इतना पार्ट ये इथाइल है और बाकी ये वाला सारा पार्ट जो है इसको बोलते हैं बेंजोएट. इसी तरह इस केस में ये वाला पार्ट जो है ये फिनाइल है और ऊपर वाला सारा पार्ट ये वाला ये बेंजोएट है, तो इसलिए इसका नाम होगा जी फिनाइल बेंजोएट. और लास्ट आती है हमारे पास एनिलीन की एग्जांपल आती है. एनिलीन के केस में यहाँ पर होता है जी NH2, इसके भी रिएक्शन करवाना आप लोगों ने बेंजोइल क्लोराइड के साथ. इस केस में भी ये वाला Cl और ये वाला H, ये HCl बाहर चला जाएगा तो नेक्स्ट हमारे पास बनेगा ये बेंजीन रिंग आ जाएगा एंड ये वाला H सी डबल वन ओ C6H5 प्लस HCl, सभी केस में बनेगा प्लस HCl, इस केस में प्लस HCl, ठीक है. और ये जो हमारे पास बनी है इसका नाम होता है बेंजा BENZANILIDE बेंजीनलाइड. तो ये हमारे पास है फाइनल प्रोडक्ट है इस रिएक्शंस की.